हाय, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक श्रिंक रैप का इफेक्ट माया के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम आप अगर चाहो तो आप कोई क्यूब रख सकते हो, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो मैं क्यूब की जगह मैं एक टेक्स्ट रखता हूँ नॉर्मल। ठीक है, टेक्स्ट में मैं इसमें एक वर्ड लिख देता हूँ डी, बस डी काफ़ी है। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट मिडल में करके, ताकि मुझे इसको मूव करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। और यहाँ से मैं ज्योमेट्री में जाके, ये आप देख सकते हैं एक्सट्रूजन, अगर आप इसको बंद कर दें तो एक्सट्रूड नहीं होगा, अगर आप ऑन रखेंगे तो एक्सट्रूड होगा। तो इसमें जाके मैं इसका डिस्टेंस हल्का सा कम कर देता हूँ, और मुझे डिविजन्स एक्स्ट्रा डिविजन्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके एक बार एनेबल बेवल भी कर देता हूँ मैं, ताकि हल्का सा अच्छा सा लुक आए, क्लीन लुक आए। और इस बेवल को अगर मुझे थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो इसके ऑफसेट के साथ थोड़ा हम ट्वीकिंग कर सकते हैं, इसकी इतना कर सकते हैं, बेवल को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ मैं, देखिए। ठीक है, तो अब आपके पास बेस जो मॉडल है जिसके ऊपर श्रिंक रैप लगेगा वो तैयार हो चुका है। तो अब एक स्फेयर रखते हैं जिसको हम श्रिंक करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर इफेक्ट्स लगेगा। सबसे पहले मैं इन दोनों को एक अलग वो दे देता हूँ, मटेरियल दे देता हूँ, जिसमें मैं इसको गोल्ड दे देता हूँ, प्रीसेट में जाके गोल्ड। और इसको मैं बाद में दूंगा, क्योंकि इस चलो अभी दे देता हूँ मैं इसे, इसको मैं दे देता हूँ थिन प्लास्टिक। तो प्रीसेट में जाके यहाँ पे थिन प्लास्टिक है एक, इसको पूरा रिप्लेस कर देता हूँ। मैं बाद में देने की क्यों बात करता, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो अब मैं थिन प्लास्टिक में हल्का सा फ्रॉस्टेड ग्लास 25% डाल देता हूँ। तो ये ब्लेंड हो गए जो दोनों थे, थिन प्लास्टिक और फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, अब मैं इसको इसके अंदर रखता हूँ, डी को इस स्फेयर के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं स्पेस दबा के देखूँ तो यहाँ से सही लग रहा है मेरे को, हल्का सा अगर थोड़ा सा साइड में करके। बस आपको इसमें ये चीज़ नोटिस करनी है कि कोई जो अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो उसका कोई एज या कुछ बाहर ना निकले, नहीं तो फिर एफएक्स में दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसको, आप सबसे पहले मॉडलिंग की जगह पे आप एफएक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ के ऑप्शंस आप जितने देख सकते हैं सारे चेंज हो जाएंगे। तो इसमें जाके आपको इसको एन क्लॉथ बनाना है। एन क्लॉथ क्या करता है, ये इसको क्लॉथ की प्रॉपर्टीज दे देगा, फिर इसके बाद आप इस पे एफएक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी एन क्लॉथ को हम साइड में रखते हैं यहाँ पे, और ये हमें एन क्लॉथ को बताना है, इसको बताना है कि ये इसके साथ कोलाइड करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एन क्लॉथ में जाके यहाँ पे क्रिएट पैसिव कोलाइडर। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, इसको पता चल जाएगा कि ये कोलाइडर है, हमें इसके साथ कोलाइड करना है। ठीक है, तो हम दोबारा इसको ले आते हैं साइड। ठीक है, एक और सबसे पहले ये यहाँ पे आउटलाइन होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्लॉथ बनाया, तो ये एन क्लॉथ तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसका एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आप सोच सकते हैं कि किसी का सेंटर है, तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज लगी होती है, जैसे ग्रेविटी हो गई। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ से, अगर सपोज करो मैं डायरेक्ट अभी प्ले करूँ, तो ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है, ये अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सबसे क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है 9.8 होती है, और अंदर कोलाइडर है इसके, जो डी है वो कोलाइडर बना हुआ है, तो इसलिए वो कोलाइड कर रहा है, तो इसलिए आपको ऐसा इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, ये ऐसा है। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर असलियत में हम चाहते हैं कि ये अंदर सक करें, इसे प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर करें हम किसी तरीके से इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है न्यूक्लियस में जाके इसकी ग्रेविटी बंद करनी है। अब ग्रेविटी बंद करने के भी दो तरीके हैं, जैसे मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप एक तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, या तो एन क्लॉथ में जाके
आप डायनेमिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इग्नोर सॉल्वर ग्रेविटी मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ पे जाके भी बंद कर सकते हैं। तो अब अगर हम क्लिक प्ले करें तो अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इस पर तब सिर्फ ग्रेविटी जो थी वो लगी हुई थी। तो अब हम इसमें जाके इसको सबसे पहले डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक प्रेशर करके है टैब, आप जैसे ही प्रेशर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ज़ीरो दिखाई दे रहा है आपको, प्रेशर डैम्पिंग और प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को नेगेटिव कर देता हूँ तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए ये श्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ तो ये इन्फ्लेट हो जाएगा जैसे बलून होता है या कुछ होता है, ठीक है। दोबारा देख सकते हैं आप, इसको मैं 20 भी कर सकता हूँ, आप अभी देखिए ये देखिए एकदम टाइट हो गया, ठीक है। तो आप मैं इसको माइनस इतना रखता हूँ, माइनस 275 अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, माइनस 275 थोड़ा कम है। एक बार इसके साथ यही है, आपको प्ले कर करके बार बार देखना होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने रखा है माइनस 670, मतलब माइनस 0.670, 0.670 इसकी वैल्यू है। और आप एक और बार देख सकते हैं इसे, ठीक है। पर अभी दिक्कत क्या हो रही है इसमें, अभी दिक्कत ये है कि ये अच्छा सा दिख नहीं रहा और कोलिजन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, आप एक बार यहाँ प्रेशर को आपने कर दिया, उसको बंद कर दीजिए, तो कोलिजन में जाएंगे आप। कोलिजन मतलब कि ये एक तो जो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ टकरा रहा है तो वो किस तरीके से टकराएगा और ये अपने आप से किस तरीके से टकराएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये क्रीजेज हैं, यहाँ पे क्रीज बन रही है, तो हो सकता है कि आपका ये सेल्फ कोलाइड बंद हो। तो आप एक बार इसको ऑन कर दें, नहीं तो ये कोलाइड नहीं होगा खुद और क्रीजेज नहीं बनेंगे जिसके कारण इसका जो मैश है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहो कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है तो आप ऐसे देख सकते हो, और अगर आप कम करना चाहो थिकनेस तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। पर मैं नॉर्मली 0.020 रखता हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसको दोबारा बंद कर दीजिए क्योंकि अगर आप इसको रख के ऑन करेंगे तो फिर वो ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है तो स्लो हो जाता है काफ़ी सिस्टम, और आपको तो माया का पता ही है कि माया काफ़ी क्रैश करता है। तो अब हम इसको दोबारा फर्स्ट फ्रेम पे जाके शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ ताकि इसको ज्योमेट्री ज़्यादा मिले काम करने के लिए, ठीक है। अब एक बार मैं दोबारा प्ले करके देखता हूँ तो आप देखिए कितना अलग तरीके से होता है, पहला कैसा था और अब कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बेक एक तरीके से जो हमने एफेक्ट्स करा है ये जैसे जैसे बार बार हम प्ले करें तो बार बार वो कैलकुलेट कर रहा है, इसे बार बार वो एफेक्ट्स कर रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा हम एक बार इसे बेक कर देते हैं एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं कि कैशे करना। तो एन कैशे में जाके अगर आप न्यू, जैसे आपने सेलेक्ट करा हुआ ये क्रिएट न्यू कैशे में जाके एन ऑब्जेक्ट, तो ये आप खुद फ्रेम्स काउंट करेगा और खुद उस पर जो एफेक्ट्स है वो अप्लाई कर देगा मैश पे। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 120 फ्रेम्स हमने सेलेक्ट करे हुए हैं यहाँ पे, तो ये 120 फ्रेम्स तक ये एफेक्ट्स को कैशे करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमें बार बार उसको एफेक्ट्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार बेक हो जाएगा। पर ये बात हमेशा याद रखें कि ये स्टेप जो होता है वो हमेशा लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि अगर एक बार बेक हो जाएगा तो उसके बाद ये सारी सेटिंग्स आपकी काम की नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आप ये देखें, अब मैं अगर इसको स्क्रब करना चाहूँ तो अगर टाइमलाइन स्क्रब करने के बाद भी देखिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा इस पर मटेरियल लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मटेरियल तो लगा हुआ, सॉरी मैं भूल गया था, इस पर मैं एक थोड़ा सा लाइट वाइट सेटअप करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने जितने इफ़ेक्ट्स लगाने थे मैंने लगा दिए, इस पर जितना शेडिंग करनी थी मैंने कर दिया,
तो एक बार जाके आप बस इसमें आउटपुट जो क्लॉथ है इसमें आर्नोल्ड में जाके आप एक बार ओपेक को अनचेक कर दें ताकि ये आर पार देख पाए बस, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक क्रिएट कर देते हैं कैमरा और उसको कर देते हैं हम यहाँ से लुक थ्रू, ठीक है, और इसको कर देते हैं यहाँ पे लॉक, ठीक है। अब सारी सारी चीज़ें बंद करके यहाँ से पैनल में जाके क्रिएट या मतलब कैमरा वन, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी थोड़ा लोड कर रहा है क्योंकि इसमें मैंने एक HDRI लगाई है तो ये उसके हिसाब से अपना कर रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो आपका रेंडर है वो निकल जाएगा। अच्छा, आप जैसे मैं इसको यहाँ पे करके एक बार रेंडर करूँ इसे अपने रेंडर आर्नो, ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो आप ऐसे ही इफेक्ट आप अपने अगर आप शोरील बना रहे हो या किसी कंपनी को आपको कुछ भेजना है या आप अपने इंटरेस्ट के लिए अगर आप सीखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी टेक्निक है लर्न करने के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है या आपको कुछ एफेक्ट्स में कुछ अलग तरीके से कुछ नया करना है तो आप एवा कमेंट में लिख सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ढीट क्रिएशन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।